सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद वाले शो पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने का है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हम ये कहने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं कि मुस्लिम नागरिक सेवाओं में घुसपैठ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्रकार अपनी हद में रहें, उन्हें कुछ भी कहने या करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी समुदाय को कलंकित करने की किसी भी प्रयास से हम निपटने के लिए तैयार हैं और इस तरह की कोशिशों से निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि इस चैनल की ओर से किए जा रहे दावे खतरनाक हैं और इससे UPSC की परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लांछन लग रहा है और ये देश का नुकसान करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक एंकर आकर कहता है कि एक विशेष समुदाय UPSC में घुसपैठ कर रहा है, इससे ज़्यादा खतरनाक कोई बात नहीं हो सकती है। ऐसे आरोपों से देश की स्थिरता पर असर पड़ता है और UPSC परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लांछन लगता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो UPSC के लिए आवेदन करता है वो सामान्य चयन प्रक्रिया से गुजरता है और ये कहना कि एक समुदाय सिविल सेवाओं में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है ये देश को बड़ा नुकसान पहुँचाता है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, WPN TV।